सही कहा, आप जी जी मानती हैं असदुद्दीन ओवैसी सारे मुसलमानों के प्रवक्ता? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सारे मुसलमान को रहते, वो अहमदिया लोगों को बाहर फेंकने के लिए कौन कहते? हम आपको करते लगता है सब जब आगा से कम्युनिटी आप के लिए। कैंडिडेट बनी है हैदराबाद की, तब से अखिलेश यादव, तेजस्वी जी सब बहुत खुश हो गए ममता जी, क्योंकि ओवैसी साहब आजकल हैदराबाद से बाहर कम जा रहे हैं। अभी बिरयानी खाने में जरा मशरूफ है, क्योंकि कहते हैं ना, अरे ये लोग इतने बोलते हैं, आके हमारा ही हलीम खाते हैं। तो हलीम किससे बनता है? किससे बनता है साहब हलीम? अगर ये झूठ मूठ कर कर हलीम किसी से भी बनाते हैं तो कोई क्या कर सकता है? तो मशरूफ है इधर बैठकर हलीम खाने में। अभी तो रमजान भी चल रहा है ना, ईद का टाइम। जिंदगी में इन्होंने आज तक गरीबों को इफ्तार नहीं दिए नाविका जी। अभी रोज जाकर 100 या 150 या 500 लोगों को खाना खिलाना शुरू करे। चलिए थोड़ा तो पाप निकल रहा है इसी काम करते करते। आपको लगता है आप रात ओवैसी भर जी को नींद भी खा नहीं आ रही पाएंगी? हमारे असद भाई को। माधवी लता जी बेबाक तरीके से बात करने के लिए, टोटली फियरलेस, नोबडी कैन से दैट यू आर स्टेपिंग इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू नविका जी, आप कुछ कम नहीं है। आप बहुत छा गई जर्नलिस्ट है। जब मुझे पता चला आपका इंटरव्यू है तो मैं हल्का सा डर गई थी, पता नहीं क्या सवाल करेंगे, शायद मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। आप बहुत सच है, आप यू आर अ जर्नलिस्ट विद अ ट्रूथफुल क्वेश्चंस। थैंक यू माधवी जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सच्चाई डराती है लोगों को। आप अपने इस लोकसभा में जो आपने पहला कदम इस चुनाव के थ्रू रखा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के सारे दर्शकों से।